दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुड गाइड इन्फो। तो दोस्तों, बताऊंगा आज आज के जो टॉपिक है दोस्तों, हमारे एक्सेल के बारे में टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आप बताऊंगा आज क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए, अपने एक्सेल शीट को ऑन कर लेता हूँ और उसमें मैं आपको बताऊंगा क्विक एक्सेस टूल बार होता कहाँ है, कहाँ पर शो करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरा सेल्स का रिपोर्ट खुल गया है और ऊपर में आप शो करेंगे देखेंगे, जैसे टॉप साइड में मेन्यू बार के अप साइड में देखेंगे, यहाँ पर शो हो रहा है, ये सेव का है और अंडू और रिडू को, ये थ्री बटन दोस्तों इसमें बाई डिफॉल्ट होता है। अभी ये सेल्फ एक्टिव नहीं है, तो यहाँ से कोई बटन अगर करके चेंजिंग करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक्टिव हो गया, तो इसको अंडू बटन में कुछ भी अगर चेंजिंग करना हो या आपका मिस्टेक हो गया तो यहाँ से अंडू आप कर सकते हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों, इसका जो यूज़ होता है, आप अपने शीट में कुछ वर्क कर रहे हैं और इसमें आपको अगर कुछ बोल्ड करना है तो यहाँ सिलेक्ट कर लिए, फिर आपको होम टैब में आना होगा, होम टैब से जाके बोल्ड में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से बोल्ड होगा। इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से डबल क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पास शो बिलो द रिबिन, तो ये आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए दोस्तों वर्कशीट है उसके सामने ही में आप अब यहाँ से आप इजली बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ तो यहाँ पास कर सकते हैं। यदि आप ये कर रहे हैं, ये रिबिन सेक्शन नहीं चाहते आप, अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप इसे इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए रिबिन सेक्शन ये हाइड हो गया, अगर लाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका शो टैब एंड कमांड में क्लिक करेंगे, ये वापस से आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये जैसे ऐड कर दिए और आप चाहते हैं कि इटैलिक भी ऐड करना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू एक्सेस टूल बार इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये इटैलिक में आ गया। यदि आप यहाँ से फिर हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम क्यू एक्सेस टूल बार, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप अगर ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों मूव कमांड में क्लिक करेंगे और जो जो आपकी रिकॉर्डिंग है दोस्तों, आपको जो जो नीड है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, कैलकुलेटर चाहिए हो तो यहाँ से कैलकुलेटर ऐड करेंगे, कॉपी चाहिए हो तो यहाँ कॉपी सिलेक्ट करके इधर ऐड करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो यहाँ पर मेरे कॉपी के और कैलकुलेटर के दोस्तों ये हो गया। इसी तरह से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी जी दोस्तों, जैसे कि हम लोग ये रिबिन एरिया है, इसे रिबिन एरिया बोलते हैं, तो इसके नीचे में यहाँ से हो गया। अभी इसको ऊपर करने के लिए फिर से अपने सेम प्लेस में तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे शो अबव द रिबिन में क्लिक करेंगे, ये आपको देखते हैं दोस्तों जैसे कि ऊपर में शो हो रहा। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, आपने इसमें रिपोर्ट में कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो फार्मूला बार से आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो और इसमें बताऊँगा आपको नेविगेशन इन एक्सेल, ये नेविगेशन इन एक्सेल क्या होता है। तो दोस्तों ये माउस या कीबोर्ड से कर सकते हैं, जैसे कि आप माउस कीबोर्ड से कर रहे हैं अप डाउन और लेफ्ट राइट, ये अपने माउस से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने लगे ऐसी आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलते रहेगी।